नमस्कार। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के एक अधिकारी की विदाई समारोह चर्चा पूरे राजस्थान में बनी हुई है। पूरे बाड़मेर शहर में अधिकारी की तस्वीर वाले होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगह ढोल नगाड़ों से उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों में जिले भर से लोग शामिल हुए और उन्हें विदाई देने लंबी गाड़ियों का काफिला भी नजर आया। राजस्थान में बीते दिनों सरकार ने 239 RAS अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की थी। इसमें बाड़मेर जिला परिषद के CEO मोहनदान रत्नू का ट्रांसफर राजस्व विभाग में उप सचिव पद पर किया गया था और इसके बाद से ही कई सामाजिक संगठन, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि RAS अधिकारी को अपने अपने तरीके से विदाई देने के लिए समारोह आयोजित कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि RAS अधिकारी मोहनदान रत्नू को 3 साल पहले बाड़मेर जिला परिषद CEO बनाया गया था। देश भर में मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में बाड़मेर देश में दूसरे स्थान रहा था और इसी का नतीजा है उनके विदाई समारोह में स्थानीय लोगों द्वारा इतने बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। RAS अधिकारी मोहनदान रत्नू मनरेगा सहित अन्य स्कीमों में श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए खुद फावड़ा लेकर काम करने लग जाते थे। यहाँ तक कि कोरोना काल में उन्होंने लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए मैनेजमेंट भी शानदार किया था। RAS अधिकारी मोहनदान रत्नू कहने कि मेरे 14 साल की सर्विस पूरी हो गई और इन 14 सालों में मैंने ऐसी विदाई नहीं देखी है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि बाड़मेर के लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है।